नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एग्जामलर्न वर्ल्ड एकेडमी प्लेटफॉर्म पर। तो आपको जैसा पता है कि आज यूपी टेट की एग्ज़ाम था और वह परीक्षा स्थगित कर दी गई है। और इसका मुख्य कारण यह बताया गया था कि काफ़ी सारी जगह यह पेपर लीक हो चुका था, व्हाट्सएप पे भी इसे वायरल कर दिया गया था। तो जो भी मुख्य कारण रहा हो और कैसे भी इस परीक्षा के जो मुख्य आरोपी हैं उन पर कार्रवाई की जाए। लेकिन इस समय जो मुख्य विषय का चर्चा बनी हुई है, जिसमें लाखों विद्यार्थी काफ़ी लंबे समय से नई शिक्षा भर्ती का वेट कर रहे थे, क्योंकि इसके बाद ही नई प्राथमिक शिक्षा भर्ती के रास्ते खुल सकते थे, तो अब फिलहाल ये रास्ते बंद होते हुए देखने को मिल रहे हैं। और अब ये भर्ती कह सकते हैं आगे जाती हुई देखने को मिलेगी, क्योंकि अब प्राथमिक शिक्षा भर्ती का आना मुमकिन नहीं है, क्योंकि यूपी टेट की परीक्षा ही यहाँ पर एक महीने बाद कराने का यहाँ पर पूरा पूरा प्रयोजन बताया जा रहा है। और यूपी टेट का जो प्रयोजन यहाँ उन्होंने रखा है एक महीने के अंदर परीक्षा कराने का, वह भी काफ़ी मुश्किल भरा और काफ़ी चैलेंजिंग लगता है, क्योंकि आपको पता है कि इसके साथ सी टेट का एग्ज़ाम भी क्लैश होगा। और जब ये परीक्षाएं दोनों क्लैश होंगी और दोनों ही परीक्षा से संबंधित हैं, और इस बार भी आपने देखा होगा कि यूपी टेट का एग्ज़ाम और प्लस आपका जो यूपीएसआई का एग्ज़ाम था वो दोनों भी क्लैश हो रहे थे। लेकिन यहाँ पर जो दोनों की वरीयता थी वह अलग अलग थी, लेकिन अब जो वरीयता होगी वह दोनों की सेम होगी। तो ऐसे में कैसे परीक्षाएं कराई जाएंगी, कैसे एग्ज़ाम होगा, तो ये काफ़ी बड़ा चैलेंज देखने को मिल रहा है। तो जैसा भी होगा आपको इस चैनल के माध्यम से अपडेट दी जाएगी। लेकिन हम आपको ये बता दें कि ये परीक्षाएँ अब आपको 13 जनवरी के आसपास ही होते हुए देखने को मिल सकती है, क्योंकि 13 जनवरी तक यहाँ पर सी टेट का एग्ज़ाम है। अगर आपका फिर भी कोई सवाल है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं एक अन्य अपडेट के साथ। धन्यवाद।